चलो स्टार्ट करिए सर। इस सब स्टेशन के बारे में कुछ बताइए कि क्या है या न्यू प्रकार का सब स्टेशन है। ये हमारा 66/11 के वी का जीआईएस सब स्टेशन। अच्छा, जीआईएस का क्या मतलब है? ग्रेड इंटीग्रेटेड सब स्टेशन। ग्रेड इंटीग्रेटेड सब स्टेशन। इसमें ये तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है ग्रीड इंटीग्रेटेड सब स्टेशन है का एक पार्ट है। इसके अंदर जो भी बाहर में हम लोग देखते थे सब स्टेशन का, सारे कुछ इंटीग्रेटेड है। मतलब कि बाहर की काम सारे चीजें खत्म है और इसका मेंटेनेंस प्रोटेक्शन बहुत ही इजी है। यह न्यू टेक्नोलॉजी से बेस पर बनाया गया है और हमारे इंजीनियर साहब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। तो कंपार्टमेंट का जो है ये पहले स्विच गियर बोलते हैं इसको। और आप लोगों को बता दूं कि यह जो सब स्टेशन है यह गैस इंसुलेटेड स्विच गियर होता है। ये जो पार्ट है इसके अंदर जितने भी है हमारा आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर एंड क्या क्या है, सीटी एंड पीटी सारे के सारे इसके अंदर रखा गया है। और जो प्रोटेक्शन गैस इंसुलेटेड प्रोटेक्शन है ये देख पा रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से देख लें इसे। ये बहुत बड़ा सा जगह को हम न्यू टेक्नोलॉजी ने बहुत ही छोटे से जगह में मर्ज कर दिया है। इसके लिए हमको बहुत बड़ा सा लैंड चाहिए होता था, बहुत बड़े खंभे गाड़ने पड़ते थे, पिलर गाड़ने पड़ते थे, अर्थिंग गाड़नी पड़ती थी। सारे कहानी यहाँ से खत्म हो गई है और सारे कुछ इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। देख पा रहे, पहले हम चारों हिंड से हम इसे दिखाते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये ऑटोमेशन सिस्टम का सर्किट इंजीनियर साहब कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन बताइए सर। ये जो है हमारा, ये जो केबल देख पा रहे हैं आप लोग, ये हमारा सिंगल कोर 1000 का केबल है। हाँ, सिंगल कोर 1000 का, 1000 स्क्वायर एमएम का, 1000 स्क्वायर एमएम का केबल है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 4 एंड कितना इधर 7 कितना हो गया टोटल 11 केबल हो गए। तो 11 में सब बताइए कि सारे कौन कौन सी केबल है इसमें, इनकमिंग और आउटगोइंग। तीन केबल इसमें इनकमिंग का, कौन सा इसमें तीन केबल है इसमें मार्क किया। इसके अंदर जो है तीन केबल जो है हमारा, वो हमें पता नहीं है कि कौन सा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कहाँ से है, लेकिन इसमें मार्क किया हुआ है। तीन केबल इनकमर का है जो 66 किलो वोल्ट का है। वह केबल को हम इस आईओ के इनपुट से कनेक्ट करेंगे, वो उस साइड से इनपुट, ये नीचे से कनेक्शन इसका। ये देख पा रहे हैं कि ये जो दिया गया है इसके अंदर हम तीन केबल को कनेक्ट करेंगे। ये नीचे जो दिखा नहीं पा रहे हैं, हम नीचे जाना पड़ेगा। ये जो राउंड गोला टाइप का दिख रहा है इसमें हम लोग इस तीन केबल को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा तीन, क्या ये तीन, एक दो नहीं, ये हमारा मेन बीच वाला जो है मेन इनकमर के लिए। ये बीच वाला जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये मेन इनकमर है। इसके अंदर हम इनपुट को कनेक्ट करेंगे। और ये साइड से जो देख रहा है लेफ्ट एंड राइट में, ये हमारा आउटगोइंग के लिए, आउटपुट के लिए है, जो कि यह जीआईएस 66 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसका ये जो इसका जो रेटिंग है जीआईएस का 66 किलो वोल्ट बाई 11 केवी का है। मतलब कि यह 66 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। ये केवल आया हमारा, उसके बाद हम इस केबल का जो इनपुट साइड देख पा रहे हैं कि ये अभी कनेक्टेड नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये सारे कनेक्शन को देंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक इनपुट है और यहाँ से दो आउटपुट निकल रहा है। अपना फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम एक भी कर सकते हैं या आउटपुट दो भी ले सकते हैं। और बता सकते हैं इसके बारे में सर? यहाँ से दो आउटपुट गया है वो अपना, हाँ जी, यहाँ से जो आउटपुट है दो आउटपुट 25 MVA का एक 66 का ही जा रहा है, एक ये वाला और एक वो लास्ट में और एक ये वाला। ये हमारा आउटपुट है, बताना ये आउटपुट है अपना, एक ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ये आउटपुट है जा रहा है अपना,
ये उधर वाले जो दिख रहा है वो आउटपुट है, ये बीच वाला इनपुट है। अब यहाँ से केबल कनेक्ट करके हम ट्रांसफार्मर को ले जाएंगे, ठीक है ना। 66 kV x 11 kV का ट्रांसफार्मर है, उसका रेटिंग है 25 MVA का है, उसके पास ले जाते हैं हम आप लोगों को अभी। चलिए देखते हैं उस ट्रांसफार्मर को। तो अब हम ट्रांसफार्मर के पास आ गए हैं। पहले के सब स्टेशन में क्या होता था कि बहुत बड़े एरिया में हम लोग सारे जो अभी पहले देखा था उस चीज को अरेंज करते थे, लेकिन अब क्या है कि सारे चीज को जो अभी GIS सब स्टेशन में अभी बिल्डिंग के अंदर दिखाया था वो उसके अंदर मर्ज कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया है। बस सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हमने बाहर रखा है। तो ये देख पा रहे हैं ये 66 kV x 11 kV का ट्रांसफार्मर है और यह 25 MVA का है, ये देख पा रहे हैं। अब क्या है ना कि जो अंदर से केवल उसका जो इनपुट आउटपुट आया है उसे हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, हम इसके ट्रांसफार्मर के। हाँ, ये हमारा जो देख पा रहे हैं आप लोग ये कनेक्शन, ये ट्रांसफार्मर का ये वन और ये RYB 3 फेज है, ये देख पा रहे हैं। ये कनेक्शन यहाँ देना है, एक यहाँ देना है और एक देना है यहाँ देना है। ये जो तीन केबल आए यहाँ पर ये GIS के आउटपुट का है, ठीक है। ये GIS का आउटपुट को हम इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर के HV साइड में कनेक्ट करेंगे जो कि 66 kV का है और इसका भी आउटपुट हमारा 66 kV का है। अब ये ट्रांसफार्मर जो है हमको 11 kV में कन्वर्ट करके फिर हम इसे आउटपुट करके VCB पैनल में देगा। हाँ, इसका आउटपुट जो है हम VCB पैनल में, जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया था कि GIS में हमारे पास दो आउटपुट था, तो एक आउटपुट तो हम इसमें कनेक्ट करेंगे इस ट्रांसफार्मर के अंदर और सेम ट्रांसफार्मर हमारे पास इधर है, एक दो ट्रांसफार्मर है हमारे पास, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर है। तो इसमें भी देख पा रहे हैं कि ये केबल कनेक्ट करने के लिए रेडी कर दिया गया, ये एक यहाँ निकला है एक यहाँ निकला है, देख पा रही है कनेक्शन इसका हो रही है, अभी बन रहा है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन अब जल्दी हो जाएगा। तो ये दूसरा ट्रांसफार्मर है GIS में जो हमने दिखाया था, दो आउटपुट जो था, एक ये है और एक इस साइड में है। अब इसका आउटपुट हम LV साइड से अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर जो आप लोग एक देख पा रहे हैं रेड कलर की जो पाइप लगी हुई है, यह जो है नाइट्रोजन इंजेक्शन के लिए है जो कि फायर प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। ये अब हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट टर्मिनल की ओर आ गए हैं। ये जो हमारा निकल रहा है LV साइड है ट्रांसफार्मर का, ये एक ट्रांसफार्मर है और दूसरा ट्रांसफार्मर हमारा इस साइड में। ये है अब ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट टर्मिनल जो देता है हमारा वो 11 kV का है। अब हम सिंगल कोर 400 के केबल से, अब इसका केबल का जो साइजिंग है, यह सिंगल कोर 400 square mm का केबल लगा है इसके अंदर। अब यह इस केबल को हम एक फेज के लिए हम 6 केबल क्यों यूज किए, एक्चुअली रेटिंग है। ओके ठीक है, इसमें देख पा रहे हैं आप लोग कि हमने एक फेज के लिए 3 केबल है यार, 6 केबल है ये जैसे तीन। हाँ, एक फेज के लिए देख पा रहे हैं कि 6 केबल यूज हुआ है, ये देख पा रहे हैं 3 3 3। इसके बारे में हम बताएंगे आपको अच्छी तरह से कि ये 6 क्यों डाला गया है। तो ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट टर्मिनल था। अब यहाँ से इसका आउटपुट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जाएगा, अब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर पे है बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे हमने आप लोगों को GIS सब स्टेशन दिखाया था। अब चलते हैं हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और इसका आउटपुट कनेक्टेड कहाँ से और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और कंट्रोल पैनल के बारे में देखेंगे। तो अभी देख पा रहे हैं कि हम लोग बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। पहले का सब स्टेशन क्या होता था कि बाहर में ही बनाया जाता था, लेकिन यह इंटीग्रेटेड सब स्टेशन ग्रेड इंटीग्रेटेड सब स्टेशन है जो कि बिल्डिंग के अंदर बनाया गया, वो भी बहुत ही छोटे से पार्ट में। अभी हम आप लोगों को चलेंगे और ट्रांसफार्मर का आउटपुट कहाँ पर कनेक्टेड है उसको दिखाएंगे और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंट्रोल पैनल कहाँ पर है, इसका कैसे कहाँ पर दे रहे सारे कुछ आप लोग को हम खोलो।
ये हम आ गए हैं, ट्रांसफार्मर का आउटपुट इस रूम में आया है। यहाँ पर देख रहे हैं फायर प्रोटेक्शन वगैरह सब है। ये सारे केबल ट्रे हैं जो कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट से आया है। देख पा रहे हैं कि ये दो ट्रांसफार्मर था हमारे पास, ये पहले ट्रांसफार्मर का है और दूसरा ट्रांसफार्मर का इधर देख रहा है। ये वाला जो देख पा रहे आप लोग, ये दूसरे ट्रांसफार्मर का है। ये पैनल में गया है नीचे से। अच्छा, यहाँ पर दो दो केबल है, 1 2 3 4 5 6 बनाया गया है एक्चुअली। ये अच्छा, ये फेस का बी फेस का, ये हाँ जी हाँ जी। अब इस केबल को हम देख पा रहे कि किस तरह से वीसीबी पैनल वाले में कनेक्ट करेंगे। अभी ऊपर में जाते हैं दूसरे फ्लोर पे और वहां पर दिखाएंगे। यहां पर देखिए आप लोग, ये सारे कंट्रोल पैनल के लिए कनेक्शन दिया गया है, बहुत सारे वायर है। अब ये ऊपर में जाकर कंट्रोल पैनल में हम आपको दिखाते हैं। अभी तो अभी हम कहां पर आ गए, बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे आ गए, वीसीबी रूम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। तो ये देख पा रहे कि इस तरह से है, ये देख पा रहे कि पहले जो होता था सारे चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो वीसीबी लगा हुआ है। वीसीबी का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये देख पा रहे तो ये दो दो यहाँ पर हमारा वीसीबी है और उस साइड में तो वीसीबी है ना, ये हमारा इनकमर है, वीसीबी का जैसे कंपार्टमेंट है। हाँ, ये जो हमारा इनकमर है क्या, ये बताओ, 25 किलो एम्पियर का जो है 11 केवी का ये वीसीबी पैनल बोर्ड है पूरा। ओके, इसमें ये मेन इनकमर है सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर से आया। ओके ठीक है, एक इधर इनकमर आया, एक उस वाले कंपार्टमेंट में इनकमर। हाँ, तो ये पहले ट्रांसफार्मर का है और दूसरा पहले ट्रांसफार्मर का इनकमर है। हाँ, और ये वो जो लास्ट में देख पा रहे कि यहाँ पर दो है, एक यहाँ पर है और एक इस साइड में देख पा रहे, तो सेम यहाँ यहाँ पर भी एक इनकमर है। ये है ना इनकमर, सॉरी ये है, ये एक इनकमर यहाँ पर है, दो कंपार्टमेंट। हाँ, तो ये हमारा इनकमर है। वीसीबी कहाँ पर है, ये पूरा वीसीबी इनकमर ही कहलाते हैं, पूरा सिस्टम ही एक वीसीबी है। अच्छा, पूरा सिस्टम है। ये देख पा रहे हैं कि हम लोग जो वीसीबी के बारे में पढ़ते थे, ये कितनी बड़ी है, बहुत छोटा नहीं होता है। हर फेज के लिए अलग अलग एक सिस्टम बनाया गया है, देख पा रहे हैं। अलग 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 कंपार्टमेंट है, अपगोइंग के लिए अलग कंपार्टमेंट है, देख पा रहे हैं कि ये इनकमिंग के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया गया है। और ये बीच में जो चार दिया गया, क्या ये आउटगोइंग के लिए कंपार्टमेंट, आउटगोइंग के लिए मतलब यहाँ से जब हम लोड सेंटर में एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूट, ये फेज के लिए अलग अलग क्या, नहीं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे हमको दो जगह एनर्जी भेजना है ठीक है, तो एक कंपार्टमेंट से एक। अच्छा, यहाँ से एनर्जी अलग अलग है, चार कंपार्टमेंट में, चार एरिया में भेजेंगे। ये क्या है, ये अपना टाई ब्रेकर है एक्चुअली। हम इस ब्रेकर और इस ब्रेकर को लूप में रखते हैं, कभी भी टाई ब्रेकर दोनों को जोड़ के रखते हैं। क्या होता है, कभी भी हमारा एक वीसीबी फेल हो गया इधर का। अच्छा, तो हम उसको लोड शिफ्ट इधर कर सकते हैं। ओके राइट, इसके लिए तो ये जो है हमारा टाई करने के लिए, टाई का मतलब है कि अगर दूसरा फेल हो गया, किसी तरह का फॉल्ट आ गया, तो हम उसका लोड दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, पहले वाले का दूसरे पे या पहले का दूसरे पे, है ना। तो ये हमारा था वीसीबी पैनल। अब हम इसके बाद कहाँ चलेंगे, वीसीबी का एक एक कंपार्टमेंट समझा देते हैं ना। हाँ, तो चलिए वीसीबी के बारे में, हम एक एक कंपार्टमेंट के बारे में समझते हैं। हमारा इनकमर हो गया, ये पहला हमारा एक, देख लो आप लोग कि ये इनकमर फ्रॉम ट्रांसफार्मर, ये जो लिखा हुआ है इनकमर फ्रॉम ट्रांसफार्मर है, ये इनकमर, ये इनकमर है हमारा। इसके बाद क्या करना है, डमी है इसको स्पेयर के लिए, ये एक डमी है इसको स्पेयर के लिए रखा गया है। चलिए आगे बताइए, दूसरा जो है आउटगोइंग के लिए स्पेयर और रखा गया है। हाँ ठीक है, ये स्पेयर, ये भी स्पेयर है, अभी डमी है मतलब ये खाली है, इसको यूज ले सकते हैं। ये स्पेयर है, इसमें सब सिस्टम है, बस केबल कनेक्ट नहीं है। ओके, दूसरा एक हमारा ये आउटगोइंग है, ये 12 केवी कैपेसिटर बैंक में जा रहा है। ओके, ऊपर जो आपको छत पे भी ठीक है, उस पे ये आउटगोइंग जा रहा है। हाँ, अब इसका दूसरा आउटगोइंग है एक फीडर टू एनर्जी सेंटर में, हमारा दो फीडर है, यहाँ से हम दो जगह भेज रहे हैं। ओके, तो फीडर टू में इस कंपार्टमेंट से भेज रहे हैं और फीडर वन में इस कंपार्टमेंट से भेज रहे हैं।
ये एनर्जी जो हम मेनली जिसके लिए सब स्टेशन बनाए हैं उसके लिए ये है एनर्जी सेंटर 1 है और दूसरा एनर्जी सेंटर 2 है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट आ रहा है यहाँ से चार एरिया में पावर को भेजते हैं, एक है एनर्जी सेंटर 1, एक है एनर्जी सेंटर 2, एक कैपेसिटर बैंक के लिए भेजते हैं और एक को हमने खाली छोड़ दिया है, इन फ्यूचर के लिए स्पेयर है, अगर जरूरी पड़ेगी कहीं भेजने का तो उसका भी कनेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या है? और ये आपका टाई ब्रेकर हो गया जो हम ये टाई ब्रेकर है हमारा, जो कि अगर किसी तरह का फॉल्ट आ जाए दूसरे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में तो हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे वाले पे। चलिए, तो सारे चीजें जैसे आपने पहले वाले में देखा था सेम ये भी है, दूसरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ से हमारा जो आउटपुट जाएगा इसका वो कंट्रोल पैनल में जाएगा, राइट? यहाँ से एनर्जी सेंटर में चला जाएगा, एनर्जी सेंटर में लोड जाएगा। ओके, कंट्रोलिंग के लिए हम नीचे कंट्रोल पैनल लगा रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है आउटपुट हमारा जहाँ पे लोड है, लोड सेंटर है, एनर्जी सेंटर है, जहाँ पे देना है हमें वहाँ पर जाएगा। अब इसका जो कंट्रोल है एक अलग से कंट्रोल सर्किट बनाया गया है, कंट्रोल पैनल बनाया गया है। चलिए हम इसका कंट्रोल कहाँ से करते हैं उसको हम अभी दिखाएंगे। यहाँ से केबल को निकाल के हम देख पा रहे हैं, पीछे के ये देख पा रहे हैं केबल कंपार्टमेंट है जो आया वहाँ से ट्रांसफार्मर, ये केबल जो है ट्रांसफार्मर से आया वो कनेक्शन दिया है और इसका जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से जो आउटपुट होगा उसको हम ये हमारा 3 कोर 240 के केबल से आउटपुट लिया गया है। ये जो है 3 कोर 240 स्क्वायर एम, 3 कोर 240 स्क्वायर एम का केबल है, इसका आउटपुट हमने लिया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइट नहीं, अंधेरा है, ये जो केबल है 3 कोर 240 स्क्वायर एम का है। एक और ये फीडर 1 के लिए जा रहा है, एक दूसरा इधर फीडर 2 के लिए, ये है फीडर 1 के लिए और ये फीडर 2 के लिए है। फीडर 1 फीडर 2 यहाँ से भी बनाया गया, अच्छा अच्छा हाँ, और एक इसमें एक ये जो है स्टेशन ट्रांसफार्मर के लिए भी इसी में से जा रहा है, इसी का पार्ट। ओके, तो चलिए आगे, अभी चलते हैं हम लोग कहाँ चलेंगे? ऊपर कैपेसिटर बैंक में गया, अभी जो नहीं कंट्रोल पैनल चलते हैं। अभी आप लोगों को मैं कंट्रोल पैनल दिखाता हूँ कि कैसे कंट्रोल होता है इसका। ये देख पा रहे हैं आप लोग कहाँ क्या है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर है, जो कि पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का डायरेक्ट कनेक्ट कर देते थे वहीं पर सब कुछ करते थे, लेकिन अब इसके लिए अलग से एक सिस्टम बनाया गया है और इसको भी एक अलग रूम में पैक करके रखते हैं। इसका बहुत सारा फायदा है, वो बताएंगे हम दूसरी वीडियो में। दो ट्रांसफार्मर के लिए दो है यहाँ पर, अर्थिंग के लिए। तो अभी हम कैपेसिटर बैंक दिखाएंगे जो कि पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे आए हैं, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर इसलिए दिया गया है ताकि कैपेसिटर गर्म होगा तो बाहर के एनवायरमेंट के साथ यह ठंडा भी हो सकता है, इसके लिए एसी की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारा कैपेसिटर बैंक है, दो ट्रांसफार्मर के लिए दो कैपेसिटर बैंक दिया गया है, देख पा रहे। ये कितने 12 KVA का है ना, ये जो ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर हमारे पावर का जो पावर फैक्टर करेक्शन होता है उसके लिए यूज किया जाता है और ये 12 KVA का है, देख पा रहे। दोनों ट्रांसफार्मर के लिए दो दिया गया है। अब हम आप लोगों को GIS का कंट्रोल पैनल को दिखाएंगे, वो कहाँ पर है चलते हैं। तो अभी हम कंट्रोल पैनल में आ गए हैं, जो सारे कंट्रोल पैनल है हमारा GIS का कंट्रोल पैनल, बैकअप सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल पैनल यहाँ पर से कंट्रोल होता है। यहाँ पर ये सारे देख पा रहे, स्नाइडर का स्काडा सिस्टम लगा हुआ है और इस सेमेंस का हमारे कंट्रोल पैनल लगे हुए। ये क्या है? कंट्रोल है, रिले पैनल है। ये सारे रिले पैनल है, सर्किट सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा ये सब दिखाया गया है, SLD जिसे बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या एक बार बताना। सबसे पहले जो हमारा इनकमर था, इनकमर वे जो था, ये बीच वाला जो है उसके लिए ये कंट्रोलिंग करेगा। ओके, इनकमर वे जो है। ओके, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला फीडर के लिए, ये दो फीडर जा रहा है ना, आउट गोइंग फीडर, उसके लिए ये और ये। ओके, दो बे के लिए ये है। यहाँ पर तीन कंट्रोल सर्किट है, एक जो है बीच वाला हमारा इनकमर का है जैसा कि हमने आपको GIS में दिखाया था लेफ्ट साइड में, और दो राइट साइड में जो SLD सर्किट दिख रहा है उसमें एक दो आउटपुट फीडर है उसका कंट्रोलर इसके अंदर। और ये जो पैनल देख पा रहे हैं हमारा, ये बिल्डिंग के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बिल्ड अपने ये सब स्टेशन के जो बिल्डिंग के लिए कंट्रोल के लिए जो पावर लगते है उसका कंट्रोल का ये पैनल है। और ये
इसके अंदर जो है 500 केवीए का सप्लाई दिया जाता है स्टेशन ट्रांसफार्मर से यहाँ पर आता है। और ये क्या है, ये आपका, ये सबसे पहले ये दिखा दीजिए, एपीएफसी पैनल है, वो पावर कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर कंट्रोलर है उसका। हाँ, ये जो हमने आप लोगों को बैटरी दिखाया था कैपेसिटर बैंक, उसका पावर फैक्टर करेक्शन का दो का क्या है, ये दो कंट्रोलर है, कंट्रोल बॉक्स है, ये कंट्रोल बॉक्स है उसका पावर फैक्टर कंट्रोलर का। देख पा रहे कि इस पे लिखा हुआ भी है पावर फैक्टर कंट्रोलर, दो ट्रांसफार्मर के लिए दो है, एक नीचे है और एक ऊपर में लगाया गया है। ये क्या है, ये स्काडा बोलते हैं इसको, गेटवे। ये सारे जो हमारे स्काडा सिस्टम लगाए हैं, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसके पूरा सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड इक्वेशन सिस्टम। ओके, अब ये क्या है, डाटा इक्वेशन सिस्टम। और ये हमारा दो आरटीसीसी पैनल है। आरटीसीसी पैनल में क्या होता है, टैप चेंजर कंट्रोल पैनल बोलते हैं इसको। एक्चुअली टैप चेंजर जो हमें ट्रांसफार्मर में लगा है, हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पैनल लगा है। ओके, ये ऑनलाइन टैप चेंजर होता है, यहाँ से हम डायरेक्ट रिमोटली टैप चेंज कर सकते हैं। जो हमारे टैप चेंजर, ये क्या है, ये छोटा वाला जो स्टेशन ट्रांसफार्मर है उसको टैप चेंज करने के लिए आरटीसीसी पैनल। कहाँ पर है छोटा, 500 केवीए का, ठीक। ये हमारा डीसीडीबी है, डीसीडीबी बोलते हैं, डीसी जो डायरेक्ट करंट के लिए जो यूज़। अच्छा, हमारे जो कैपेसिटर चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो डीसी चाहिए, वो यहाँ से हर एक चीज के लिए हमको डीसी चाहिए, मतलब यूपीएससी की जैसा काम करेगा, राइट, ठीक। ये हमारा बैटरी बैंक से कनेक्ट होगा, बैटरी जो है सप्लाई दे देंगे यहाँ से। ओके, तो डन करें। यहाँ पर देख पा रहे आप लोग की कितनी सी छोटी सी बिल्डिंग में ग्रिड सब इंटीग्रेटेड सब स्टेशन को बना दिया गया है, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है।